अपराजिता जज्बा जीत का एवं अडॉप्ट सेवा समिति जो लगभग 20 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मान पखवाड़ा सम्मान समारोह ऐशबाग रामलीला मैदान तुलसी भवन में धूमधाम से मनाया गया। इसमें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री विद्या बिंदु जी एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मधुरिमा लाल ने सभी का उत्साहवर्धन किया। अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती शशि सिंह एवं उप संचालन श्रीमती पार्वती ने किया। अजय जी बुआ जी के नाम से आप धरती में फेमस हो चुकी हैं और आज इसी क्रम में अपराजिता जी का जज्बा जो वहाँ के आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे एक महिला होने के नाते, जो महिलाएं घर पर उनको क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार आगे बढ़ेंगे? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान में मतलब हमको बुलाए गए, बहुत अच्छी बात है। और इसी में बस ये महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, परिवार के साथ उनको समझते हुए यही मेरी न्यूज रहती है कि सब लोग अपने परिवार समाज को समझो, जो होते जा रहे हैं उसी में हम कैरेक्टर बनाए, परिवार समाज को आगे बढ़ाएं और सारी महिलाएं साथ में एकजुट रहें, क्योंकि महिला ही महिला को आगे बढ़ाती है। उपाध्याय फ्रॉम सिटी कॉन्वेंट स्कूल पारा एंट्रेंस केरा ब्रांच, यहाँ पे आज जिस तरह से महिला का सशक्तिकरण किया जा रहा है ये देख के बहुत ही गर्व फील हो रहा है। और इसी तरह अगर महिलाओं को हम आगे बढ़ावा दें तो अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे और बहुत प्रोत्साहित किया जा सकता है उनको, और इस तरह से बहुत अपने जीवन में अनेक जो भी काम को करना चाहती हैं उस चीज़ को अचीव कर सकती है। तो इस तरह का कार्यक्रम अगर हम समय समय पर लगा रहे हैं तो ये उनके हौसले को बुलंद करने जैसा है। यहाँ पर ऐसे नामी गिरामी और भी अन्य क्षेत्रों से महिलाएं हमारे साथ हमारे साथ खेल से इच्छा बढ़ी रही है, जो विशिष्ट कैटेगरी के साथ संबंध रखती है, लेकिन वो सम्मान कैटेगरी में कैटर लेकर आती हैं अपने राज्य के लिए और जगह अपने क्षेत्र के लिए। ऐसे और भी बहुत क्षेत्र हैं, साहित्य का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है, अपने क्षेत्रों से महिलाएँ बहुत नाम दिया है अपने साथ। और अपराजिता जज्बा जी का महिलाओं का एक ऐसा संगठन है जिसमें हर क्षेत्र से छोटे छोटे व्यापार लेकर और बड़े व्यापार मंडल तक की महिलाएं सभी दूसरी का मार्गदर्शन और ऐसी ऐसी महिलाओं को ऐसे ऐसे मोदियों को जोड़ा है कि आज हमें ये गर्व होता है कि अनुपमा जी जैसी हमारे साथ में यहाँ पर सम्मानित हुई हैं, पद्मश्री बिंदु जी हुई हैं, इंदु सुभाष जी सम्मानित हुई हैं, कई क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल से मैं अनिल अग्रवाल भी यहाँ पर महिलाओं को व्यापार जगत में आगे बढ़ने के लिए सहयोग देने के लिए और आर्थिक रूप से वो मजबूत बने इसके लिए इन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए। और आपको देखकर जो महिलाएं घर में बैठी हुई हैं, जो आर्थिक रूप से क्योंकि इस तरीके का माहौल आज समाज में हो गया है कि बिना दोनों लोगों के काम
काम किए, आर्थिक हम लोग आर्थिक महंगाई को रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया था। बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन महिलाओं को कहना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो, कहीं भी आप कमजोर नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में आप कमजोर नहीं है। सिर्फ आपको उठने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है, अपने आप में हिम्मत रखने की जरूरत है। और एक दिन आप जब आप माँ बन सकती हैं, बहन का रोल अच्छा निभा सकती है, बेटी का रोल अच्छा निभा सकती है, हर क्षेत्र में आप बहुत अच्छा रोल निभाएंगी, ऐसी मेरी सोच है। इसी सोचों के साथ मैं आपके चैनल माध्यम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कितनी महिलाएं शामिल हुई और क्या कुछ है इस आयोजन में, इसके बारे में? केंद्रीय महिला सशक्तिकरण कल्याण मंच ने महिलाओं के लिए जो हेल्प शुरू की है, जिससे कि महिला जो है आगे बढ़कर कुछ प्रोत्साहित हुए, आगे जाके कुछ बने, उनको लगे कि घर घर में नहीं रहना चाहिए, उनको बाहर जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए अपनी जिंदगी में, उसके लिए हमारी तरफ से पहल की गई है, जिसमें अनुपमा जी संयोजक हैं, संचालक जी शशि सिंह हैं और उनका सह संचालक प्रीति करने की जज्बा था, जो करने के लिए इसके बाद हम लोग एक ग्रुप फोटो करा कर सस्ता बनाया गया है। मैम के बैठने के पश्चात सभी लोग आएंगे ताकि ठीक है। मैं शैली सिन्हा और ये अपराजिता जीत का एक जज्बा, हम लोगों ने एक ग्रुप शुरू करा था जिससे कि हम जैसी लेडीज हैं जो 20-25 सालों से अपने घरों में रहती थी और कोई भी मतलब घर के ही काम, और उनको थोड़ा सा अपनी थोड़ी जो एक्टिविटियाँ उनकी दब गई थी या उनको जो करने का मौका नहीं मिला था, तो वो सब हम लोग मिलजुल के एक प्रोग्राम करने की, उनकी अपनी चैनल देशपद्धन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।